बीबी के साथ बदलते भारत की शान। ईआईसी के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। किसान चैनल चौपाल चर्चा की टीम पहुंची हरियाणा के जिला करनाल के गांव तरावड़ी में। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम चौपाल चर्चा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। चौपाल चर्चा एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में चर्चा करते हैं, जानने समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे किसान भाई बहन उन योजनाओं की कितनी जानकारी रखते हैं और उनका कितना लाभ ले पा रहे हैं। आज हम आप पहुंचे हैं हरियाणा के करनाल जिले के तेरावड़ी गाँव में और आइए चलते हैं गाँव की चौपाल में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, आ चुके हैं हम तेरावड़ी गांव में और यहां पर बहुत सारे किसान भाई जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। आइए बिना कोई देर किए कार्यक्रम में चर्चा की शुरुआत करते हैं और हमारे साथ वैज्ञानिक भी मौजूद हैं, तो आइए सबसे पहले उन्हीं से जो है वो हम बातचीत की शुरुआत करते हैं और जानने समझने की कोशिश करते हैं आज जिस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं। सर, सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगी, अपना नाम बताइए सर। मैडम, मेरा नाम डॉक्टर राजबीर गर्ग है, मैं कृषि विज्ञान केंद्र करनाल का इंचार्ज हूँ। सर, मैं आपसे अब ये जानना चाहूँगी कि किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में अगर मैं आपसे जानकारी लेना चाहूँ तो क्या है किसान क्रेडिट कार्ड और कैसे जो हमारे किसान है वो इसका लाभ ले सकते हैं? किसान क्रेडिट कार्ड जो है ना, किसान के लिए जो है ना एक बहुत अच्छा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। मेरे ख्याल में मेजोरिटी किसान, हरियाणा एक ऐसा प्रांत है जहाँ मेजोरिटी किसान के पास केसीसी है, अच्छी खासी लिमिट है, एक किसान के लिए 1.5 लाख की लिमिट है और आपको जानकर जो है ना अति खुशी होगी कि 0% पे जो है ना केसीसी मिलता है किसान को। 7% टोटल इंटरेस्ट रेट है, 4% केंद्र सरकार सब्सिडी देती है और 3% जो है ना प्रदेश सरकार सब्सिडी देती है, 0% पे मिलता है। अगर किसान गुड पे मास्टर का मतलब है समय पे अच्छा लेन देन बैंक के साथ करता है और केसीसी को मेंटेन करता है तो ये समझिए उसको बिना ब्याज के लोन मिलता है और ये बहुत अच्छा है। और सबसे अच्छी जो बात ये हुई कि आज तक तो केसीसी सिर्फ उसी किसान को मिलता था जिसके पास ज़मीन होती थी, अब केसीसी जो है ना पशुपालक को भी मिलने लगा, मत्स्य पालक को भी मिलने लगा और उसमें भी लिमिट जो है अगर पशुपालक के तो 1,60,000 की लिमिट है। तो ये तो बहुत ही अच्छा इंस्ट्रूमेंट है और किसान को प्रयोग करना चाहिए। मैं समझता हूँ जो किसान इसका फ़ायदा नहीं उठा रहा वो अपना नुकसान खुद कर रहा है। और किसान के लिए भी ये संदेश है कि बैंक के साथ जब लेन देन करे तो अच्छा व्यवहार करे, समय पर जो है चुकाए, उसी से उसको लाभ होगा। अगर वो केसीसी का जो टाइम पे भुगतान नहीं करता तो 7% इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा उसको और अगर डिफाल्टर हुआ तो आगे की जो है ना लोन्स मिलना बंद हो जाएगा। अगर जो हम कहते हैं कि किसान की आमदनी दुगनी होनी चाहिए, दुगनी में जो है अगर 38 से लेता है 2% 3% पर मंथ पे और 35-36% पे वो लोन ले रहा है और एक 0% पे ले रहा है, अगर इनका फ़ायदा उठाएगा तो उसकी लागत घटेगी और उसका जो है ना लाभ बढ़ेगा। ये भी एक प्रक्रिया है जो है किसान की जो है ना आमदनी दुगनी होगी।
बिल्कुल, मैं चाहूँगी आप अपने स्थान पर वापस बैठ जाएं। आइए इस ओर रुक कर लेते हैं और यहाँ पर भी हम जो है वो बातचीत करते हैं और चर्चा करते हैं, जानने समझने की कोशिश करते हैं विषय को। आपसे मैं बात करना चाहूँगी, अपना नाम बताइए। मेरा नाम नरेश कुमार है। मैं पशु क्रेडिट कार्ड जो सरकार की स्कीम है वो बहुत अच्छी स्कीम है। किसान क्रेडिट कार्ड के साथ तो काफी वर्षों से था, पशु क्रेडिट कार्ड भी आ गया है, वो भी किसानों के लिए 1,60,000 की स्कीम आई है। वो काफी बैंक अब थोड़ा आनाकानी कर रहे हैं, वो किसानों को केवल एक या दो गाय के लिए दे रहे हैं, बल्कि उसमें चार गाय की 40,000 के हिसाब से 1,60,000 कम दे रहे हैं, जबकि होना चाहिए कि सबको अगर कोई चार गाय रख रहा है तो उसको पूरा अनुदान उसमें बिना ब्याज के है। जबकि एक दूसरा समस्या है किसानों की कि गायें अगर जैसे हम अपनी फसल किसान बेच सकता है उत्तर प्रदेश से, यूपी में, हरियाणा, पंजाब से, तो गायें ले जाने में किसानों को परेशानी आती है, खरीदने में भी आती है दूसरे जगह से अगर कोई लेने आए गायें, तो उसको बेरोक टोक ले जाने के लिए कोई परमिट व्यवस्था खोलनी पड़ेगी और बैंकों को भी कहना पड़ेगा कि वो किसानों को पूरी मदद करे, क्योंकि छोटा किसान बेचारा उसको कोई लोन नहीं मिलता, कोई ऋण बाहर से भी नहीं मिल पाता। अगर वो दूध पैदा करता है और अच्छी किस्म दूध की क्वालिटी में, काफ़ी अब मिलावट मिल रही है पीने खाने वाले दुखी हैं, दूध घी से मिल नहीं रहा अच्छा, तो इस स्कीम से हमें सारे भारतवर्ष में अच्छा दूध और अच्छा पशु मिलेंगे, ताकि किसानों को जब उनको पैसा मिलेगा। बिल्कुल, अब आइए इस ओर रुक करते हैं और यहाँ पर भी हमारे साथ जो है वो विशेषज्ञ मौजूद हैं, इनसे भी हम बातचीत करते हैं। सर, मैं चाहूँगी अपने स्थान पर आ जाएं, अपना नाम बताइए। सर, मैं रामगोपाल शर्मा जी, खंड कृषि अधिकारी नीलोखेड़ी। किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में क्या बताना चाहेंगे? किसान क्रेडिट कार्ड कैसे जो हमारे किसान हैं उनके लिए लाभकारी है और किस तरीके के लाभ जो है वो उससे उठा सकते हैं? किसान क्रेडिट कार्ड का तो डॉक्टर साहब ने भी अभी भी इस बारे में जिक्र किया और बहुत देखो 0% पे किसान को लाभ दिया जा रहा है वो, मगर किसान का मेरा कहना है कि वो पैसा लेकर के यदि वो किसान मिसयूज करता है, किसान को पैसा दिया जाता है भाई बोने के लिए, उसका क्या खर्चा आएगा वो एस्टीमेट लगा के सरकार उसको पैसा देती है और अगली 6 महीने के बाद में उसको रिन्यू करके दोबारा पैसा देती है। वो इसीलिए दिया जाता है कि आप वो भाई फसल जितना खर्चा आना है सरकार ने देना है, बुआई का, खाद का सारा खर्चा उस वो एक लिमिट बनाई जाती है, मगर किसान ने उसका दुरुपयोग करता है, उसने ऐसा नहीं करना चाहिए, उस पैसे को दूसरी जगह यूज कर लेता है। तो ये और इसका लाभ तो उन्होंने लेना ही लेना चाहिए, सभी ने बनवाना चाहिए, सभी किसानों ने वो किसान क्रेडिट कार्ड बनवा करके उसका लाभ उठाना चाहिए। तो कार्यक्रम में चर्चा की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले देखते हैं ये विशेष रिपोर्ट। किसान क्रेडिट कार्ड भारत में किसानों को दिए जाते हैं ताकि उन्हें समय पर किफायती ऋण मिल सके। भारतीय रिजर्व बैंक, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ने किसान क्रेडिट कार्ड की धारणा 1998-99 में शुरू की, जिससे किसानों को आसानी से सुलभ कैश क्रेडिट सुविधा प्रदान करने के लिए सहायता मिल सके। ये कार्ड किसानों को किसी भी परेशानी के बिना समय पर और पर्याप्त ऋण प्राप्त करने की अनुमति देता है। किसान क्रेडिट कार्ड के कुछ मुख्य आकर्षण ये है कि ये पुनर्भुगतान के मामले में लचीलापन प्रदान करता है, जो कि खराब फसल और मौसम की अनपेक्षित घटनाओं की स्थिति में पुनर्निर्धारित किया जा सकता है। किसान क्रेडिट कार्ड 5 साल तक वैध है और वार्षिक नवीनीकरण पर निर्भर है। किसानों को ऋण अपने किसान क्रेडिट कार्ड से निकासी अथवा बैंक से निकासी के द्वारा मिल सकता है और किसान उस लेन देन को रिकॉर्ड करने के लिए एक पासबुक प्राप्त कर सकते हैं। बैंकों से पर्याप्त वित्त प्राप्त करने की प्रक्रिया में किसानों को कई बाधाओं का सामना करना पड़ता था, जैसे कि लंबी कागजी कार्रवाई और प्रसंस्करण, बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा जटिल प्रक्रियाएं, प्रसंस्करण में देरी और किसानों में जागरूकता की कमी। इन कारणों की वजह से किसान अपनी तत्काल जरूरतों जैसे कि बीज, उर्वरक, कीटनाशक आदि के लिए गैर संस्थागत ऋण पर निर्भर करते थे। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम इस तरह की जटिलताओं को दूर करने के लिए विश्वसनीय बैंकिंग सिस्टम से समय पर कृषि और संबद्ध उद्देश्यों के लिए किसानों को लागत प्रभावी ऋण प्रदान कर रही है। कृषक अपने किसान क्रेडिट कार्ड के उपयोग से उनकी खेती की जरूरतों से संबंधित वस्तुओं को खरीद सकते हैं
और संबंधित खर्चों के लिए आवश्यक राशि निकाल सकते हैं। कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे वापस और कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। सूखा हो या पे मौसम की बरखा हो, कीड़ा लगे खेत में या दुविधा हो, बहुत ही कम प्रीमियम पे पूरी हो भरपाई, फसल बीमित रहे कटाई के बाद भी भाई। हाँ, ऋणी या अऋणी अब हर किसान लाभ उठाए, एक मौसम कदर है सब किसान बीमा कराए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से हर किसान मुस्काए। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, उसका लाभ उन किसानों को मिलेगा जिनके पास 5 एकड़ से कम भूमि है। आजादी के बाद देश के इतिहास में किसानों के लिए बनी ये सबसे बड़ी योजना है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। इस योजना के तहत 2 हेक्टेयर तक की जोत वाले किसान परिवार को 6,000 रुपए का सालाना भुगतान होगा, जो पात्र किसानों को 2,000 की 3 किश्तों में सीधा उनके खातों में जमा होगा। इन पात्र परिवारों का चयन राज्य सरकार कर रही है। इस योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन कर रही है। सम्मान, जिस पर हमेशा अन्नदाता का हक था, उसे अब वो सीने पर लगाकर घूम भी सकेगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, किसान की किसानी का नया अभिमान। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। आइए कार्यक्रम में चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आइए एक बार आप पीछे का रुख करते हैं। हमारे कई किसान भाई जो हैं वो पीछे भी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं और उनसे भी जानने समझने की कोशिश करते हैं कि सरकार द्वारा ये जो समय समय पर योजनाएं चलाई जा रही हैं उनका किस तरह से ये जो है वो लाभ ले रहा है। आपसे मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगी, अपना नाम बताइए। मेरा नाम धर्मवीर सिंह है। किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में क्या बताना चाहेंगे, किस तरीके से लाभकारी है किसानों के लिए अगर वो किसान क्रेडिट कार्ड बनवाते हैं तो? किसान क्रेडिट कार्ड जैसे कोई बीमार हो जाता है तो उसको ग्लूकोज लगा देते हैं, मैं तो ये समझता हूँ कि उसको बहुत अच्छी सहायता है। ये किसान तबका काफ़ी कमज़ोर और निर्धन अवस्था में जा चुका है। खेती करने के लिए इसे पर्याप्त मात्रा में इसके पास पैसे नहीं है, काफ़ी पिछड़ चुका है, तो किसान क्रेडिट कार्ड से उसे ऋण मिलता है तो उसको वो इर्द उर्द भी कर देता है, लेकिन मैं समझता हूँ उसे नहीं करना चाहिए और इसे सिर्फ इस पैसे को खेती के लिए यूज करके अपनी प्रगति में इसका साधन के रूप में यूज करना चाहिए। क्या आपके गांव के अंदर लोगों ने किसान क्रेडिट कार्ड बनाए हैं? लगभग 99% लगभग सबके पास ही ये कार्ड है। मैं चाहूंगी आप अपने स्थान पर बैठ जाएं। बिल्कुल, आइए अब इस ओर रुक करते हैं। हमारे कुछ किसान भाई यहाँ पर भी जो हैं वो मौजूद हैं, उनसे भी हम पीछे बात करते हैं और आपसे मैं बात करना चाहूंगी। अपना नाम बताइए। मेरा नाम मनोज कुमार है जी। मनोज जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में, किस तरीके से लाभकारी है किसानों के लिए और उन्हें क्यों बनवाना चाहिए किसान क्रेडिट कार्ड? किसान क्रेडिट कार्ड का फायदा ये 2 है जी। सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि किसान को अपनी ज़मीन के ऊपर पैसा जो है बैंक देता है, क्योंकि जो छोटा किसान है उसको मंडी के अंदर आढ़ती भी इतना पैसा नहीं देता है। उसको जब पैसे की ज़रूरत होती है अपनी फसल तैयार करने के लिए तो उसको पैसे के लिए इधर उधर भागना पड़ता है, तो क्रेडिट कार्ड जो है बैंक बनाता है किसानों के लिए, वो उसका अगर सही यूज़ करता है तो उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। दूसरी बात, किसान क्रेडिट कार्ड हमारी गवर्नमेंट हर साल उस पर पैसा बढ़ाती जा रही है। आप एक बार देखिए, वैसे सरकार ने हमें कर्जदार भी बना दिया इसके माध्यम से। किसानों को आप एक बार देखिए, हर साल बैंकों की डिटेल देखिए कि गवर्नमेंट हर साल क्या कहती है कि हमने 10,00,000 करोड़ रुपए का किसानों को लोन दिया, लेकिन कभी ये नहीं कहा कि हमने इनका लोन उतरवाया। आप हर साल देखिए उनकी बैंक डिटेल्स देखिए कि वो हर साल लोन बढ़ा रहे हैं किसानों का।
आप एक बार देखिए कि किसानों को जो पहले 5,000 रुपये एकड़ मिला करता था, आज 2,00,000 रुपये पर एकड़ पे किसान क्रेडिट कार्ड बनता है। किसान क्रेडिट कार्ड का जो मिसयूज करता है उसके लिए वो नुकसानदायी है। हम ये कहते हैं कि आपको किसान क्रेडिट कार्ड बनाए, लेकिन उसका यूज़ जो है अगर आप अपने खेती में ही करते हैं तो बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, जब आप उसको बाहर यूज़ करते हैं तो उसका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। आपसे मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगी, अपना नाम बताइए सर। रवि वर्मा। आपसे मैं किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में भी जानना चाहूँगी, किसानों को क्यों बनवाना चाहिए, ये किस तरीके से इससे लाभ लिया जा सकता है किसानों को? किसान क्रेडिट कार्ड बन तो बहुत पहले से रहा है, लेकिन गवर्नमेंट ने इस पर इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा कम कर दिया। अब गवर्नमेंट बहुत कम इंटरेस्ट रेट पर बना रही है, बल्कि डेयरी के लिए जो अब शुरू की है वो सबसे बढ़िया चीज़ है। लेकिन किसान क्रेडिट कार्ड में मैं एक सलाह ज़रूर देना चाहूँगा, किसान क्रेडिट कार्ड में सबसे बड़ी समस्या जो किसान को आ रही है वो ये आ रही है, किसान क्रेडिट कार्ड एक बार बन गया वो बेचारा उसका ब्याज ही देता रहता है। गवर्नमेंट को कुछ ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए भाई 6 महीने में आप उससे 10,000 करके ही चेक कुछ हो टोटल पेमेंट्स में लेते रहो, चाहे उसे 5 साल बाद फिर रिफंड कर दो। अब किसान ले तो लेता है लेकिन वो ब्याज बढ़ने बढ़ने में उसकी उम्र ही निकल जाती है, उस चीज़ में थोड़ा सोचना चाहिए। तो आप अपने स्थान पर बैठ सकते हैं, कई तरह के सुझाव भी जो है वो हमारे किसान यहाँ पर देते हैं कि सरकार को कौन कौन से ऐसे कदम हैं जो किसानों की हितों के लिए उठाने चाहिए। हालांकि कई तरह की योजनाएं जो है वो सरकार लेकर आ रही है किसानों के लिए और उन योजनाओं का लाभ भी जो है वो हमारे किसान ले रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ समस्याएँ जो हैं, जब आप किसी कार्य को करते हैं तभी उसके अंदर जो समस्याएँ उत्पन्न होती हैं तभी हमें उनके बारे में ज़्यादा जानकारी मिलती है। आपसे मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगी, अपना नाम बताइए। मेरा नाम रणदीप है जी। किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए वो तो मैडम हमारे यहाँ सभी किसान लगभग उसका फायदा उठा रहे हैं। आपने बनाया है जी? सभी का बनाया है जिसके पास जमीनें हैं, और अब तो हमारी गवर्नमेंट ने जिसके पास जमीन भी नहीं है और पशु, अगर वो किसान 4 या 5 पशु रखता है तो उसको भी किसान क्रेडिट कार्ड के सिमिलर ही पशु क्रेडिट कार्ड भी बनाए जा रहे हैं। वो तो गवर्नमेंट का बहुत ही सराहनीय कदम है, हम उसकी प्रशंसा भी करते हैं और उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए ताकि जो बिना भूमि वाले किसान भी हैं उनका भी ऐसे ही सिमिलर उनका भी किसान क्रेडिट कार्ड बन जाए। आप अपने केसीसी का इस्तेमाल किन चीज़ों के लिए करते हैं? देखिए वो तो इसीलिए है कि किसान अपना खर्चे के लिए, उसके पास एक पैसों की लिमिट होती है भी, अपनी वो फसल उठाने के बाद उसको रिन्यू करके उसमें 0% ब्याज है, वो तो उसका तो सभी को पता है कि सीधा सीधा फायदा है किसान को। तो कार्यक्रम में चर्चा की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले देखते हैं ये विशेष रिपोर्ट। इस सुविधा का संचालन सरल और सीधा साधा है। किसान की भूमि और इसके द्वारा अर्जित आय के आधार पर बैंक किसान को किसान क्रेडिट कार्ड जारी करते हैं। इसके लिए योग्य होने के लिए किसानों को अच्छा क्रेडिट इतिहास होना चाहिए। जो लोग किसान क्रेडिट कार्ड प्राप्त करते हैं उन्हें निम्नलिखित सुविधाएं मिलती हैं: नाम के साथ पासबुक, भूमि का विवरण, पता, वैधता अवधि, क्रेडिट सीमा, जो ग्राहक की अद्वितीय पहचान के साथ साथ उनके लेन देन पर नजर रखने के लिए एक प्रणाली के रूप में कार्य करता है। ये क्रेडिट कार्ड निर्गम में इस्तेमाल किया जा सकता है, साथ ही आवश्यक खरीदारी करने के लिए किसान नकद निकाल सकता है। केसीसी के उधारकर्ता को एक एटीएम सह डेबिट कार्ड जारी किया जाएगा ताकि वे एटीएमों एवं पीओएस टर्मिनलों से आहरण कर सके। केसीसी एक विविध खाते के स्वरूप का होगा। इस खाते में कोई जमा शेष रहने की स्थिति में उस पर बचत खाते के समान ब्याज मिलेगा। केसीसी में 3,00,000 रुपए तक की राशि पर प्रसंस्करण शुल्क नहीं लगाया जाता है। केसीसी खातों का वार्षिक आधार पर नवीनीकरण करना आवश्यक है ताकि 5 वर्षों के लिए सतत आधार पर इसकी ऋण सीमा को जारी रखा जा सके। अतः शाखाओं को सुनिश्चित करना होगा कि वे यथा आवश्यकता परिसीमन अधिनियम के तहत 3 वर्षों की समाप्ति के पूर्व नवीनीकरण पत्र प्राप्त कर लें। इस नवीनीकरण के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए वर्तमान अनुदेशों के अनुसार शाखाएं संबंधित उधारकर्ताओं से एक साधारण सा घोषणा पत्र प्राप्त कर लें। पात्र फसलों को फसल बीमा योजना, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अंतर्गत कवर किया जाएगा।
कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे वापस और कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। किसान भाइयों गांठ बांध लो बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर रास को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ, तभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की, किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉयल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ, ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं, और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-1801551 पर कॉल करें और लॉग इन करें किसान.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। आइए कार्यक्रम में चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो हमारे किसान भाई जो हैं वो यहाँ पर काफी जागरूक हैं, और जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि जब आप योजनाओं का लाभ लेना शुरू करते हैं, जब कोई योजना सरकार की ओर से किसानों के हित के लिए आती है और जब किसान उसको अपनाना शुरू करते हैं, तब असल समस्याएं जो हैं तब उजागर होकर सामने आती हैं। तो जिस तरीके से धीरे धीरे अभी जो मशीनें हैं जो आई हैं जिनका इस्तेमाल आपने करना है, और जिस तरीके से योजनाओं को आपने लाभ उठाना है, जब वो आपके आगे आकर रुकेंगी तभी आप उन्हें ज्यादा बेहतर तरीके से जो है वो समझ पाएंगे। आपसे बात करना चाहूंगी, किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में क्या बताना चाहेंगे आप? किसान क्रेडिट कार्ड बहुत अच्छी स्कीम है गवर्नमेंट की, पर किसान भाइयों को सलाह देता हूँ कि प्राइवेट बैंक में मत जाएं, उनका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है। सरकारी बैंकों में अपना केसीसी बनवाएं। आपने अपना केसीसी बनाया हुआ? मैंने केसीसी बनवाया है, पहले मेरा सरकारी में था, अब मैंने प्राइवेट में बनवाया, तो मेरे को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पड़ रहा है। तो मैं सभी किसान भाइयों को यही सलाह देता हूँ कि वो सरकारी बैंक में जाएं, प्राइवेट में मत जाएं। तो आप सरकारी से प्राइवेट में क्यों गए? कई बार ऐसा हो जाता है, एक सीजन में कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है तो मजबूरी हो जाती है प्राइवेट में जाना, ताकि वहाँ से ज़्यादा पैसे मिल जाते हैं। जैसे ओला पड़ गया, आग लग गई, तो उसमें नहीं गुजार होता, तो इसके लिए मजबूरी हो जाती है कहीं मरे। तो मैं अपनी ओर से ये सुझाव देना चाहता हूँ, हमें सुझाव देना चाहता हूँ अपने किसान भाइयों को और आपके दूरदर्शन का, अपने वैज्ञानिकों का, अपने एग्रीकल्चर से संबंधित जितने भी हमारे अफसर बैठे हैं, सभी का आभार प्रकट करता हूँ, अपने किसान भाइयों का धन्यवाद करता हूँ कि हम सब इकट्ठे हुए हैं। तो आप केसीसी का इस्तेमाल किन चीज़ों के लिए ज़्यादातर करते हैं? जी, अपना खार बीज, अपना कोई रिपेयर स्पेयर अपनी मशीनरी की, इन चीजों में होता है। कोई पशु भी लेना पड़ जाता है, बहुत बढ़िया है ये, बहुत बढ़िया है जी, बहुत बढ़िया है। सरकारी में इंटरेस्ट रेट बिल्कुल कम है, प्राइवेट में ज्यादा है, और उनके कुछ छुपे हुए खर्चे भी हैं जो वो किसानों को कभी नहीं बताते, ऐसे ही लगा देते हैं। तो बस यही मेरी सुझाव है अपने किसान भाइयों को कि वो सरकारी में जाएं, प्राइवेट बैंक में मत जाएं। तो यहाँ पर जो हमारे किसान हैं वो कई तरह का अपनी भी जो अंदर की एक बात होती है वो भी रखना चाहते हैं, और हमारा पूरा प्रयास रहता है इस कार्यक्रम के माध्यम से कि जो सरकार की नई योजनाएं हैं, जो सरकार की नई नीतियां हैं, वो आप तक पहुंचाई जाएं, और किस तरीके से आप उनका सदुपयोग करें, कैसे आप उनसे लाभ ले पा रहे हैं, वो सारी बातें हम आपसे अपने इस कार्यक्रम में करते हैं। तो फिर हमने आज जिन सरकारी योजनाओं के बारे में बात करी, हम उम्मीद करेंगे कि घर बैठे आप जो हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं
रहे हैं, आपको भी इन सब बातों से ज़रूर लाभ मिलेगा। तो आज के हमारे चौपाल चर्चा कार्यक्रम के इस अंक में बस इतना ही। अगली बार फिर आप सभी से होगी मुलाकात एक नए गाँव कुछ नई सरकारी योजनाओं के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार। किसानों के लिए उम्मीद की नई किरण, खाद्य प्रसंस्करण तरक्की के दरवाजे खोलता, रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराता, किसानों की आमदनी बढ़ाता, खेतों से बाजार तक किसानों ने की भविष्य की तैयारी। दी एग्रो फैक्ट्री हर मंगलवार सुबह 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा, देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। इस धरा की माटी पर लिखनी एक नई कहानी है, जैविक खेती के बल पर लानी सुबह सुहानी। खेती किसानी से जुड़ी रोचक जानकारियों से भरा कार्यक्रम धरती का अमृत जैविक खेती देखना न भूलें प्रत्येक मंगलवार दोपहर 4:30 बजे डीडी किसान चैनल पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव और आज मैं आपको लेकर चलूंगी भारत के मसालों की चटपटी दुनिया में। ये वो दुनिया है जिसने सदियों से, या यूं कहें सदा से, विश्व की कई संस्कृतियों को अपनी ओर खींचा है। मसाले के तमाम पहलुओं पर एक विशेष कार्यक्रम मसाला इंडिया, रविवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। कृषि में क्या है उन्नत प्रौद्योगिकियाँ, कैसे करें रोग निदान, कैसे पहचाने उन्नत बीज, क्या है मुश्किलें, क्या है निदान, कौन सी नस्लें, क्या है प्रावधान, हर बात का रखें ध्यान हमारे देश के कृषि संस्थान, कृषि शिक्षा और अनुसंधान। कृषि की उन्नत तरीकों की खोज, लाभकारी कृषि तकनीक से जुड़े शोध, लागत से दोगुना लाभ पा रहे किसानों की सलाह, युवा किसानों की भागीदारी से बदलते नए भारत की तस्वीर, देखें डीडी किसान पर ग्रामीण शोध शालाएं। 21 अगस्त से हर शुक्रवार सुबह 7:30 बजे। मैं पढ़ना चाहती हूँ और कुछ बनना चाहते हैं, और मैं चाहती हूँ हमारे गांव के बच्चे को शिक्षा और चिकित्सा का अधिकार मिले। मुझे मेरे गांव का विकास करना है। इस गांव में रखाई क्या है, मुझे तो शहर जाना है और बड़ा आदमी बनना है। हमें तो सिर्फ पैसा कमाना है। रास्ता सीधा हो या टेढ़ा, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। किसके रोके रुका है सवेरा, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे डीडी किसान चैनल पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने
जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक।